एंथ्रेक्नोस ऑफ मैंगो, इसी को बर्ड आई स्पॉट भी कहा जाता है। फ्रूट के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो गए पूरी तरीके से, इसको मिस इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं कि ब्लैक टिप हो गया। ऐसा नहीं है, ब्लैक टिप जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलन एंड पर होगा, यहाँ पे, तभी उसका नाम है ब्लैक टिप, PIP टिप। लेकिन ये पूरे फ्रूट के पूरे पेरिकार्प पे फैल गया है, एंथ्रोक्नोस पूरे पेरिकार्प पे फैल गया। ये देख सकते हो, स्पॉट्स देख सकते हो किस टाइप के आ रहे हैं लीव्स पे, ठीक है। ये जो टर्मिनल शूट्स थी जहाँ पे फ्लावरिंग हो रही थी, वहां पे भी इसने पूरी तरीके से ब्लैक स्पॉट्स कर दिए हैं, ठीक है। लीव्स देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे लीव जल गई है ड्यू टू स्कॉर्चिंग, मतलब धूप की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या लगा है, डिजीज लगा हुआ है फ्रूट्स में भी। ये अर्लियर सिम्टम्स है, अर्लियर सिम्टम में लीफ के ऊपर स्मॉल पैचेस आते हैं ब्लैक कलर के, और ये मैच्योर्ड सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम से मैच्योर सिम्टम है ये। अर्ली है, आप कुछ ऐसा कर दे जिससे कि बचाव हो जाए, यहाँ कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है इससे लेवल पे कंट्रोल करना। पॉज बाय फंगस, फंगस का नाम है पोलेट्रो ट्राइकम स्पीशीज, पोलेट्रो ट्राइकम स्पीशीज। अब एंथ्रोक्नोस का जो कंट्रोल है वो करता है फंगीसाइड, और उस फंगीसाइड में होना चाहिए कॉपर, क्या होना चाहिए, कॉपर, इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं बेविस्टीन। Bevacizumab is used to control anthrocnose.